इटावा से अहजाद थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत छुट्टी पर आए सिपाही की फावड़ा मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक जनपद मथुरा में परिवहन शाखा में तैनात मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात था। उसकी हत्या पारिवारिक विवाद के कारण उसके ताऊ तथा परिवार वालों ने फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। सिपाही हत्या करने वाले ताऊ तथा एक परिजन को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कतल फावड़ा बरामद किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जोनल फॉरेंसिक टीम के साथ किया गया था। देखिए, थाना सैफई के गांव में जो है एक ट्यूबवेल पर क्या कहते हैं, एक अनिल कुमार नाम के व्यक्ति जो कि मथुरा में आरक्षी के पद पर तैनात थे, उनकी जो है उन्हीं के सगे ताऊ ने अपने नाती और अपने बेटे के साथ मिल करके हत्या कर दी। और हत्या की जो वजह है वो यह बताई गई है कि चूँकि जो उनके भाई के दोनों बेटे बैंक में नौकरी कर रहे थे और ये सिपाही हो गए थे, तो उससे उनकी ईर्ष्या थी और बाकी कुछ लेन देन का भी इशू था, जिसके परिदृश्य में शराब के नशे में, चूँकि ये नशेड़ी भी बहुत थे जो पकड़े गए हैं, दर्शन सिंह जो कि मुख्य अभियुक्त हैं और गांजा और भांग तथा शराब के नशेड़ी बताए जाते हैं, और जो नाती था वो भी साथ में सोया हुआ था तथा इनका बेटा ओमपाल भी वहीं सोया हुआ था ट्यूबवेल पे ही, तथा मृतक अनिल भी वहीं सोए थे, उनकी पत्नी भी वहीं सोई हुई थी, ये दर्शन सिंह के मतलब मृतक की चाची। और इस प्रकार से रात में शराब के नशे में झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद इस लेवल पर पहुंचा कि जब मृतक सोने लगा तो उसी समय इन लोगों ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया और उस पर फावड़े से और खुरपी से तथा डंडे से हमला किया गया, जिस पर व्यक्ति को काफ़ी चोटें पहुंची सर में और काफ़ी विभत्स चोटें पहुंची हुई हैं उस उक्त आरक्षी को, और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को जब सूचना मिली सुबह 6:30-7 बजे के आसपास, तो पुलिस मौके पर पूरे फोर्स के साथ मेरे द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है, SPRA और CO सैफई द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। अभियुक्त उसमें मुख्य अभियुक्त जो है दर्शन सिंह और अभिषेक जो उनका नाती है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से उनकी निशादेही पर जो फावड़ा था वो बरामद कर लिया गया है, जो भी और उसमें खूनालूद मिट्टी वगैरह जो है कब्जे में ले ली गई हैं, तथा इसमें 302 का IPC का अभियोग दर्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु पंचायतनामा के बाद जो भी विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं अमल में लाई जा रही हैं, शीघ्र ही इसमें जो है हम कठोरतम कार्रवाई गैंगस्टर से लेकर NSA तक की कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं और निश्चित तौर से एक नज़ीर वाली कार्रवाई इसमें हम प्रस्तुत करेंगे। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।